मोदी सरकार के 4 वर्ष पूरे होने के अवसर पर गोरखपुर महानगर भारतीय जनता पार्टी प्रबुद्ध वर्ग द्वारा एक सम्मेलन का आयोजन शनिवार को सिविल लाइन स्थित एक लॉज में किया गया। इस अवसर पर भाजपा के वरिष्ठ नेता व पूर्व क्षेत्रीय अध्यक्ष उपेंद्र दत्त शुक्ला, महानगर अध्यक्ष राहुल श्रीवास्तव, गोरखपुर ग्रामीण विधायक विपिन सिंह, महापौर सीताराम जायसवाल, पूर्व महापौर डॉक्टर सत्या पांडे, अंजू चौधरी, जवाहरलाल कसोदन, क्षेत्रीय मंत्री विश्वजीत सिंह आशु, राधेश्याम सिंह सहित पार्टी के कई पदाधिकारी और सदस्य मौजूद रहे। सभा को संबोधित करते हुए वक्ताओं ने मोदी सरकार के 4 साल के कार्यों को गिनाते हुए उनकी प्रशंसा की। गौरव की बात है तो हमारे प्रधानमंत्री ऐसे मन की बात बोलते हैं कि मैं यही कहती हूँ, वो मन की बात कहते हैं, मैं दिल की बात कहती हूँ कि ऐसे व्यक्ति जो 18 से 15 से 18 घंटा काम करते हुए भी जब देखे तो फ्रेश हंसते हुए मुस्कुराते हुए और इतने सहनशीलता से, इतनी गंभीरता से, इतनी शांति को एक से एक डिजिटल हासिल को डील करते रहे हैं और 4 साल की उनकी उपलब्धियाँ भी गिनाया गया तो हमारे यहाँ के लगभग 1000 काम आपको जन्म करना पड़ेगा, जोड़ना पड़ेगा कि जिन्होंने किया है, चाहे वो नारी का सम्मान हो, चाहे हमारे युवाओं को जमाने के सम्मान की बात हो, चाहे पिछले वर्ग और ऐसे वर्ग के लोग जिनके पास आवाज तक नहीं थी या जल की व्यवस्था, गैस की व्यवस्था, कोई भी व्यवस्था नहीं था, ऐसे वर्ग की बात करें, चाहे वो हमारे प्रबुद्ध वर्ग की बात करें, चाहे वो जिसकी भी बात करें, आप जिस क्षेत्र में देखें कोई ऐसा क्षेत्र अटल नहीं है, कोई ऐसा पत्थर ऐसा नहीं है जो उन्होंने जिसको भी रोली नहीं कराया, जिसको भी चलता हो नहीं कराया है। ऐसे व्यक्ति जिन्होंने आवास के नाम पर लगभग 1 करोड़ आवास दिया है गरीबों को, लगभग 3.1 करोड़ गैस के कनेक्शन हमारी महिलाओं को, बहनों को दिया है ताकि वो स्वस्थ रहें और धूप और धुआं से दूर रहें। एक साथ इकट्ठे हुए मोदी जी के कामों की बात नहीं की जा रही, कैसे मोदी जी सत्ता में है, कैसे इन्हें हटाया गया इसकी चर्चा हो रही है। आप दिल पर हाथ रखकर सोचेंगे कि जब से भारतीय जनता पार्टी के प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी बने हैं, कोई ऐसा विकास का क्षेत्र नहीं है जो अनछुआ, किसानों के लिए हमारे मुख्यमंत्री जी ने 36,000 करोड़ रुपया अनुदान देकर उनके जीवन स्तर को ऊंचा उठाने का काम किया है। प्रधानमंत्री जी ने घोषणा की थी उसके अनुरूप किसानों के लिए जो पूर्वांचल के किसान गन्ना के लिए 5-5 साल तक लाइन में खड़े रहते हैं उनको 14 दिन के अंदर भुगतान कराया, एक बहुत बड़ी बात है। गोरखपुर में फर्टिलाइजर की स्थापना कर किसानों को एक बहुत बड़ा तोहफा दिया है, पूर्वांचल को तोहफा दिया है और मंगिया से पाइपलाइन गोरखपुर में दफ्तर दे चुकी है और जल्दी मोदी जी और मोदी जी की सरकार उस सपने को गोरखपुर की सरकार करने वाला है। हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में सरकार जल्दी हो गया, आप खुद देखें यह सरकार जातिवाद की बात नहीं करती है, सबको साथ लेकर चलने की बात करती है, सबका साथ सबका विकास, चाहे प्रधानमंत्री आवास 85,000 उत्तर प्रदेश को मिला है, प्रधानमंत्री आवास, हर घर में कोई शौचालय, प्रोत्साहन स्वरूप 12,000 रुपये, उज्ज्वला गैस योजना के तहत हर घरों को निःशुल्क गैस कनेक्शन, हर घरों को इनके पास विद्युत के कनेक्शन नहीं थे उनको निःशुल्क विद्युत कनेक्शन, सही आप देखेंगे इन 4 सालों में गोरखपुर से बनारस, गोरखपुर से बलिया, कालेश्वर से जंगल कोडिया, अभी हाल में साथियों आपका गोरखपुर से सुनौली मार्ग जो 2 लेन था वो भी 4 लेन होने का कार्य अभी जल्दी उसका भी सर्वे चल रहा है, जल्दी आरोप आपसे आवेदन लिए जाएंगे जिनको आपत्ति होगी, हाल में 2-3 दिन बाद उनकी भी बैठक है जो भी कास्तकारों की जमीन जा रही है, तो बड़ा बहुत बड़ा फैसला है। अभी कुछ महाराज जी चंद दिनों पहले अभिराम गढ़ताल में आकर के कई परियोजना
अब दिखाई देने लगी है। अब एक साल का समय साथियों, सारे बड़े कार्य हो गए जो पूरे हो जाएंगे और हमारे पूज्य महाराज जी अभी चार साल के करीब प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं। गोरखपुर को सब कुछ मिल जाएगा जिसकी कल्पना किसी ने नहीं की होगी। साथियों, आप सभी के प्रति धन्यवाद ज्ञापित करते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूं। जय हिंद। महत्वपूर्ण दिन है, आजादी के बाद पहली बार 2014 में आ गई के दिन बहुमत की सरकार भारतीय जनता पार्टी नीति गठबंधन एनडीए को बनाने का मौका मिला था। 17 अटल बिहारी वाजपेयी के बाद भारतीय राजनीति में जो शून्यता थी उसे भी भरने का काम, और जहां अटल जी परिस्थितियों को छोड़ गए थे और 10 वर्षों में मनमोहन सिंह ने जो देश के समक्ष घोटालों का एक स्वरूप प्रदान किया था, उस सब को समाप्त करके विश्व राजनीति के अंदर भारत के परचम को फहराते हुए जहां देश का गौरव माननीय नरेंद्र मोदी जी ने बढ़ाया, वही आजादी के बाद पहली बार गरीबों के कल्याण का, दलितों शोषितों वंचितों पिछड़ों के उत्थान का, गरीब परिवार और महिलाएं जो कल्पना नहीं करती थी कि हमें भी गैस के चूल्हे पर रोटी बनाने का अवसर मिलेगा, जो गरीब ये कल्पना नहीं करता था कि हमें भी आवास मिलेगा, जिस गरीब के घर पर दीपक की लौ जलती थी कनेक्शन के माध्यम से उजाला लेकर के आई सरकार, और हमारी बहन बेटियां बहुए जो घोर के अंदर रात्रि अंधेरे में शौचालय के लिए मैदान में जाती थी, इज्जत घर देकर बहन बेटी बहुओं का सम्मान बढ़ाने का काम किया तो माननीय नरेंद्र मोदी ने किया।